बदलाव की बात कर लेते हैं। लोग बदलाव बदलाव चिल्लाते, भैया बदलाव क्या किए हैं? ट्रैक्टर तो बहुत बार दिखाते हो, 16x28 की जगह इस ट्रैक्टर में जो है आपको 18x30 का टायर मिलेगा। और अगले टायर की बात करें, जहां 9x50 का टायर मिलता था, वहां कंपनी ने अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 12x24 का टायर दे दिया है। इतना बड़ा बदलाव इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। दूसरे सबसे बड़े बदलाव की एक और बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर 3 तरह के कूलेंट सिस्टम लगाए हुए हैं। पहले आप ये जो देख रहे हैं, ये लगा हुआ है डीजल कूलेंट सिस्टम। इसके पीछे आप देख सकते हैं इंटर कूलेंट सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर रेडिएटर भी लगा के दिया हुआ है, मतलब डीजल भी ठंडा रहेगा, साथ में इंटर कूलेंट के माध्यम से इस ट्रैक्टर की सारी ऑयल सप्लाई वगैरह ठंडी रहेगी, जिससे ट्रैक्टर का इंजन लंबे समय तक ठंडा रह के जो है काम कर पाएगा। रेडिएटर जो है आपके इस ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखने का काम करेगा। और बड़ी बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ EGR सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे ये जो ट्रैक्टर है हवा को रीसर्कुलेट कर देता है, फॉल्यूटेड हवा को रीसर्कुलेट कर देता है, जिससे ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क और पावर परफॉर्मेंस बनी रहती है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो है लगभग कंपनी आपको 320 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क देती है, मतलब हाथी जैसी पावर और घोड़े जैसी चाल के साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर शेर जैसी दहाड़ मिलने वाली है। साथ ही साथ एयर फिल्टर के अंदर बात करें, ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर दिया हुआ है कंपनी ने। यहाँ भी चोक सेंसर लगाया हुआ है, जिससे इसके अंदर कभी कचरा वगैरह चला जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ बैटरी वगैरह की बात करें, इंडिया के सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्रांड एक्साइड कंपनी के साथ में आने वाली 12V 75 AH की जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर बैटरी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर के अंदर हब रिडक्शन वाली क्रॉस वाली 4WD शाफ्ट जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगा के दी हुई है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके खेती किसानी तक के हर तरह के कामों को करने के लिए सक्षम मानी जाती है। स्टेयरिंग के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो है कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग ऑफर करती है, जो कि लंबे समय तक स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को भी जॉन डीयर ने ध्यान में रख के यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन ऑयल फिल्टर के साथ में यहाँ पर इंजन ऑयल के ऊपर एक और कूलेंट सिस्टम मशीन लगा के दी हुई है, जिससे इस ट्रैक्टर के इंजन ऑयल जो फिल्टर होके जाएगा वो भी ठंडा होके जाने वाला है। यहाँ पर बात करें इस ट्रैक्टर में जो टैंडम पंप लगे हुए हैं, लगभग बात कर रहा हूँ दोस्तों 54 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करने वाले कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर टैंडम पंप लगाए हुए हैं, जिससे पावर स्टेयरिंग हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की जो सप्लाई है बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगी। 12V जो है आपको इस ट्रैक्टर में 60 AH के साथ में आने वाला अल्टरनेटर मिलेगा, जो कि 14V के साथ में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ब्रीजर सिस्टम भी लगा के दिया हुआ है, जो कि एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है, मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो जस्ट जो है एक USB मोबाइल जैसी चार्जिंग फैसिलिटी कनेक्टिंग बिटिक के साथ में हम जब इसे लैपटॉप से अटैच करेंगे तो कारो जैसे जो है इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल हमारी स्क्रीन के अंदर निकल के सामने आने वाली है, मतलब जो है हमें अब किसी भी चीज़ को खोल खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। टर्बो वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है भैया तो टर्बो चार्ज इंजन आना स्वाभाविक है, इससे पॉल्यूशन लेस दैन और टॉर्क जो है हाई हो जाती है, पावर परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। 2100 रेटेड RPM के साथ में इस ट्रैक्टर का इंजन 320 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क निकाल के देने वाला है। बोनट साका फोल्डर बार की बात करें, डबल साका फोल्डर बार जो है कंपनी ने लगाए हुए हैं, जॉन डियर कंपनी का जो है ये ट्रैक्टर है। और लुक की बात करें तो यहाँ पर लुक के अंदर भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिल जाता है। पहले जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर इस तरह का लुक देखने के लिए मिलता था, लेकिन 2023 के अंदर कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के लुक के अंदर टोटल चेंजेस कर दिया है। आज की इस वीडियो में जो हम ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, यह है जॉन डियर का 5075E। इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको 75 हॉर्स पावर का इंजन मिल जाता है, जो कि 540 से लेके 2100 रेटेड RPM के साथ में लगभग 320 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क निकाल के देता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात करें दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर 65 हॉर्स पावर की PDO मिल जाती है, और वो भी आपको 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, 9 फॉरवर्ड 3 रिवर्स जैसे गियर ऑप्शंस के साथ में। बात कर लें दोस्तों इस ट्रैक्टर में और भी अच्छे फीचर्स की, जैसे कि आपको इस ट्रैक्टर में MRF कंपनी के टायर मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआती में दिखाया था। अगला टायर कंपनी ने 12x24 का दिया हुआ है, और पिछले टायर के अंदर बात करें तो यहाँ पर 16x16 का टायर नहीं लगाया कंपनी ने, सीधे 18x4x30 का जो है इस ट्रैक्टर के अंदर टायर लगा के दिया हुआ है।
प्लेटफॉर्म के अंदर बात करें तो जॉन डियर का डेलिकेटेड प्लेटफॉर्म जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑल टाइम से जॉन डियर का फेवरेट रहा है। थोड़े स्टेपर प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी के साथ में मिलता है। इस ट्रैक्टर की फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट की यदि हम बात करें तो अगली हंडी से अटैच करके दी जाती है फुली प्रोटेक्शन कवर के साथ में, जो कि इस ट्रैक्टर के इंजन के मिड तक जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर कंपनी ने जो है आपको ट्रैक्टर में सस्पेंडेड टाइप पैडल दिए हुए हैं। हीट गार्ड भी आपको जो है ट्रैक्टर में बेस्ट क्वालिटी फाइबर के देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए ऊपर की तरफ ले चलते हैं और भी ज़्यादा शानदार फीचर्स की बात करें तो 2023 के अंदर कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर दो तरह के मोड दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है कंपनी ने यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड और दूसरा दिया हुआ है इको मोड। जब आपको इस ट्रैक्टर में हैवी इम्प्लीमेंट जैसे रोटर वेटर वगैरह जब आप चलाते हैं तो इस ट्रैक्टर को स्टैंडर्ड मोड का उपयोग कर सकते हैं। इको मोड के साथ जो है आप कम फ्यूल कंजप्शन के साथ में ट्रॉली वगैरह वर्क जैसे आप जो है इको मोड के साथ में इस ट्रैक्टर के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें ड्राइवर के राइट तरफ तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर का मेन गियर लीवर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको तीन मेन गियर मिलेंगे, एक रिवर्स का गियर मिल जाएगा, साथ ही में एक पार्किंग लीवर भी आपको जो है कंपनी यहाँ पर देती है। क्योंकि जॉन डियर के सभी मॉडल के अंदर आपको जो है ब्रेक लॉक की फैसिलिटी के साथ में पार्किंग गियर भी काफ़ी सारे मॉडल्स में देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर के राइट तरफ जो है आपको ट्रैक्टर के डीसी और पीसी लीवर मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व का जो है यहाँ पर आपको लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप ट्रैक्टर के डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। ब्रेक वगैरह की बात करें तो ऑयल एमर्स मल्टीप्लेटेड जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ बात करें तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में ए बी सी डी चार तरह के गियर मिलने वाले हैं। मतलब अब ये जो ट्रैक्टर आज हम दिखा रहे हैं आपको 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स यानी कि 24 गियर स्पीड के साथ में आने वाला दिखा रहे हैं। यहाँ पर पी डी यू वगैरह के लीवर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में पी डी यू के अंदर देख सकते हैं सेफलेट क्लच देखने के लिए मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर के अंदर मल्टी स्पीड डबल स्पीड जैसे पी डी यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये ट्रैक्टर दोस्तों फोर व्हील ड्राइव के साथ में आता है, तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर का फोर व्हील ड्राइव का सेफरेट लीवर मिल जाता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में फोर व्हील टू व्हील दोनों का मजा ले सकते हैं। डैशबोर्ड की यदि हम बात करें तो टोटली डिजिटली टाइप जो है आपको ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में साथ सीट वगैरह की बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर सीट ऑफर की गई है, और यहाँ पर जो है कंपनी ने हेड रेस्ट भी जो है ट्रैक्टर के अंदर आर्म रेस्ट भी जो है उपलब्ध करा के दिए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेंडर वगैरह के नीचे की बात करें तो काफ़ी अच्छा गैप जो है जॉन डियर ने मेंटेन करके रखा हुआ है। पिछले हिस्से में फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप देख सकते हैं प्लेनेटरी हब रिडक्शन वाला रियर एक्सल मिल जाता है। 4 से 5 एडजस्टिंग पॉइंट प्रोविजनल कंपनी ने करा के दी हुई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें 73 लीटर तक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाएंगे, जिससे आप एमबी प्लाउ मल्टी प्लाउ जैसे संयंत्रों को ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट वायर जो है कंपनी ने आपको ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किए हुए हैं। लिफ्ट वगैरह की बात करें तो 2500 से 3000 केजी की क्षमता वाली लगभग जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर लिफ्ट कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। और पी डी यू की बात करें तो जितने एचपी का किसान ट्रैक्टर लेने के लिए सोचता है 65 एचपी इस ट्रैक्टर में 65 हॉर्स पावर की आपको पी डी यू पावर देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर नंबर प्लेट विद इंडिकेटर कंपनी फिटेड मिलेगा, और ये जो ब्रेक लाइट और इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है ओल्ड टाइप डेलिकेटेड जॉन डियर का देखने के लिए मिलेगा, और चौकोर वाली बैक हेलोजन लाइट कंपनी ने ऑफर की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर में टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए लोहे का ही टूल बॉक्स मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाले जॉन डियर 50/75E फोर व्हील ड्राइव 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।